ॐ क्लीं मूर्ति शारदे ममकार सिद्ध कुरु कुरु नमः। इस कराल काल कलयुग में देखिए हर चौथा व्यक्ति भूत प्रेत बाधा, चलाई गई बाधा, खिलाई गई बाधा जैसी परेशानियों से परेशान है। और कई लोगों की परेशानियां तो इतनी जटिल होती हैं कि उनको तो पता ही नहीं लगता कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ करवा दिया है, हमारे घर में भूत प्रेत है, कौन सी बाधा है। पूरी जिंदगी निकल जाती है, परेशान रहते हैं, उनको पता ही नहीं चल पाता कि बाधा आखिर थी कौन सी। आज हम आपको कंकाली माता का एक देशी मंत्र है, इस मंत्र के बारे में बताने वाले हैं। इस मंत्र से आप किसी भी प्रकार की बाधा हो, सभी प्रकार की बाधाओं पर आप इतना तगड़ा बंधन डाल सकते हैं कि समझ लीजिए कि आपके पास से तो वो बाधा हट ही जाएगी और भविष्य में किसी और के पास वो बाधा कभी परेशान करने के लिए नहीं जाएगी। अक्सर चलाई गई बाधाओं को बांधने के लिए इस मंत्र का प्रयोग किया जाता है और कंकाली माता का मंत्र है और देशी मंत्र है। अब देशी मंत्र की एक हम आपको खास बात बता दें, इनके ना शब्द मिलते हैं आपस में, ना इनका स्वर मिलता है, लगता है कि ये कविता है लेकिन कविता भी मेल नहीं खाती। और कार्य इनका इतना खतरनाक होता है कि समझ लीजिए कि बिल्कुल मूठेरी सामने से आ रही है, आपको दिखती है, क्योंकि ओरिजिनल जो मूठ होती है जब चलाई जाती है हमारे क्षेत्र में वो दिखाई देती है कि ये मूठ जा रही है। तो आप चलती हुई मूठ को इन मंत्रों के जरिए नीचे गिरा सकते हैं और उसको नष्ट कर सकते हैं। मूठ चलाते समय एक विधान है कि एक थाली में सारी सामग्रियां, सभी देवताओं की अलग अलग पूजा संभाल कर उसमें जमाई जाती है और उसके बाद मूठ का प्रयोग किया जाता है और वह मूठ जाते हुए दिखाई देती है कि किस दिशा में जा रही है और किसके ऊपर जाके गिरेगी। ठीक है, तो उस मूठ को भी आप इन मंत्रों के जरिए नीचे गिरा सकते हैं और नष्ट कर सकते हैं, क्योंकि आजकल विज्ञान का युग है। तो अच्छी बात है कि हमारा भारत देश या दुनिया विज्ञान के प्रति जागरूक हो रही है, लेकिन कहीं कहीं आज भी पुराना विज्ञान चलता है और पुराना विज्ञान बड़ा खतरनाक विज्ञान था जो धीरे धीरे वैसे तो लुप्त हो रहा है, लेकिन कहीं कहीं है जहाँ आज भी तत्क्षण मरण मूठ वशीकरण चीज़ों का ऐसा प्रयोग किया जाता है कि यदि मूठ मंत्र को परीक्षण के लिए जैसे प्रयोग करते हैं हमारे यहाँ, तो पेड़ के ऊपर मूठ चलाई जाती है, किसी वृक्ष के ऊपर, तो समझ लीजिए सेकेंडों नहीं लगता और पेड़ सूख जाता है, डालियां टूट जाती हैं, गिर जाती हैं, मतलब पेड़ नष्ट हो जाता है। जो रियल मूठ होती है उसमें ऐसे प्रमाण अभी भी देखने को मिलते हैं और जो तांत्रिक लोग हैं वो अभी भी बुंदेलखंड में इन मंत्रों का प्रयोग करते हैं। और हम आपको बता दें बुंदेलखंड पुराना मंत्रों का तंत्रों का गढ़ माना जाता है। किसी जमाने में जब बदनिया और वादिया नट नटनी हुआ करते थे तो बुंदेलखंड के तांत्रिकों से ये लोग अपनी विद्या का परीक्षण करने के लिए, लड़ाई करने के लिए आते थे। एक तरफ वादिया और बदनिया हुआ करते थे, एक तरफ देशी तांत्रिक हुआ करते थे और आमने सामने से एक दूसरे के ऊपर विद्याएं का प्रहार किया जाता था और काटन किया जाता था। वो एक प्रकार का सीखने का विषय था, वो जमाना बीत गया जब ऐसा होता था। लेकिन आजकल YouTube वाले संसार में इतने टोने टूट के भर गए हैं कि कोई छोटा व्यक्ति भी जो साधनाएं नहीं जानता है एक छोटा सा टोटका सीख लेता है और अपने शत्रु पे, अपने मित्र पे जिससे उसे ईर्ष्या हो रही है, जलन हो रही है, वह देख नहीं सकता कि बताओ ये खर का कर खा कमा रहा है तो इसका परिवार भी बर्बाद हो जाए, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं तो ये भी कुछ ना करे, ये भी परेशान हो जाए, मतलब ईर्ष्या भर जाती है तो दूसरे को बढ़ता हुआ नहीं देख पाते। तो ऐसे में टोने टोटकों का प्रहार आजकल शहरी क्षेत्र में भी चल रहा है और गांव देहातों में तो बिल्कुल वज्र की तरह लोग प्रयोग करते हैं कि थोड़ी सी रंजिश हुई, थोड़ी सी गाली गलौच हुई, घर पहुंचे सड़ाक से टोना चला दिया, समझ लो लाइफ जिंदगी खराब है। टोना चलाना बड़ा आसान है लेकिन उसका काट करना थोड़ा सा बड़ा मुश्किल कार्य है। यदि टोना चलाया गया है आप जल्दी उसका इलाज कर लेते हैं, जल्दी उसका कोड़ ढूंढ लेते हैं तो जल्दी ठीक हो जाता है या विद्या कट जाती है। वो जब वही विद्या लंबे समय तक शरीर में या घर में रह जाती है तो वह अपना घर उसी जगह बना लेती है। फिर तो टोने का एक नियत अवधि होती है,
इससे एक महीने, दो महीने, तीन महीने, 11 महीने, 5 साल, 7 साल, 11 साल, ऐसी इनकी अवधियाँ अवधि हुआ करती हैं। तो ये अवधि गुजर जाने के बाद भी फिर वो जो इष्ट होता है वह कब्जा जमा लेता है घर के ऊपर, शरीर के ऊपर, कि अब तुमको छोड़ना ही नहीं है इस शरीर को, इसको तो बिल्कुल चूस के रहना ही है, चूसते चूसते ही लेना है इसको। तो ऐसे देवता होते हैं जो घर जमा लेते हैं अपना और रह जाते हैं। तब ये हटी बन जाते हैं, अपन कोई भी तंत्र बाधा तंत्र प्रयोग करते हैं तो जल्दी हटते नहीं हैं। कंकाली माता का एक मंत्र है जिसका प्रयोग करके आप सभी प्रकार की बाधाओं को, भूत प्रेत को, डाकनी साकनी को, शत्रु को, इसके अलावा मसान, मसान कई प्रकार के होते हैं, जैसे कछिया मसान हो गया, सुकिया मसान हो गया, मिचमिचा मसान हो गया, सपेता मसान हो गया, मरघटिया मसान हो गया, सैकड़ों प्रकार के अलग अलग क्षेत्रों में मसान हैं, अलग अलग तरह से उनकी पूजा होती है। यदि मसान बाधा का किसी के ऊपर प्रयोग किया जाता है तो मसान बाधा देखिए खतरनाक बाधा होती है, होती तो छोटी है, छोटे से मंत्र से इसको हटाया जा सकता है, लेकिन ये अपने आप को इतना छुपा लेती है कि पता ही नहीं लगता कि वास्तविकता में है क्या। और मसान को हटाने की सीधी सीधी एक बात होती है कि मसान का एक तोड़ मंत्र है, उस मंत्र का आप प्रयोग करेंगे तभी वो हटेगा, बाकी सब मंत्रों से नहीं हट पाता, ठीक है। और मसान जितने जगह आप दिखाने जाएंगे उतने जगह वह अलग अपना नाम बताएगा, किसी जगह जिन्न बताएगा, किसी जगह जिन्नात बताएगा, किसी जगह बैताल बता देगा, भूतनी बता देगा, प्रेत बता देगा, किसी जगह तो बता देता है कि हम तुम्हारे पूर्वज ही हैं। इसके अलावा कई बार देवी देवताओं के नाम भी बता देता है कि हम ये देवी, हम ये देवता, मतलब अपने आप को इतना छिपाता है कि लोग आसानी से पता ही नहीं लगा पाते। और मशान की बाधा आसानी से पता नहीं लगती, इसलिए उसका तोड़ जल्दी हो नहीं पाता, क्योंकि जिस बाधा का आप पता लगा सकते हैं उसका तोड़ 2 मिनट में हो जाता है, क्योंकि उससे प्रबल मंत्र आपको प्रयोग करने की जरूरत होती है और समझ लो बाधा खत्म। आज हम आपको जिस मंत्र के बारे में बता रहे हैं यह शक्तिशाली मंत्र है, इसका हमने बताया न सर मिलेगा न सपाट मिलेगा, लेकिन कार्य ऐसा मिलेगा कि कार्य अखम ही होगा। आप सभी प्रकार के भूत प्रेतों को बांध देंगे, अपने घर का भी बंधन करेंगे ताकि बुरी बाधाएं आपके घर में प्रवेश न कर पाएं। इसके अलावा कोई चलाई गई विद्या बार बार आ रही है तो समझ लीजिए वो विद्या बंध जाएगी, मतलब बंधने का मतलब होता है कि आपके पास से तो हटेगी, इसके अलावा उसका बंधन ऐसा हो जाएगा कि जिसके पास की विद्या है, जो चला रहा है, उसके पास की विद्या ही खत्म हो जाएगी, ऐसा इसका प्रयोग देखा जाता है। क्योंकि जब विद्या की शक्ति आपने इस मंत्र के जरिए बांध ली तो स्वाभाविक है दोबारा विद्या का प्रयोग कर नहीं पाएगा, दोबारा उसको करना है तो दोबारा से उसको सिद्धि साधना करनी पड़ेगी, और सिद्धि साधना इतनी जल्दी आसानी से होती नहीं है। कई लोग कहते हैं ना, आज चलाया टोटका, कल फिर चला दिया, परसों फिर चला दिया, इतना आसान नहीं होता। जैसे आज हमने किसी मंत्र का प्रयोग किया, उस मंत्र की शक्ति को यदि किसी ने बांध दिया, दोबारा हमें उस मंत्र में शक्ति लाने के लिए फिर से वही 21,000, 22,000, 55,000, 1,00,000, 1,25,000 जप करना पड़ेगा, कई हजार हवन करना पड़ेगा, तब जाके फिर से उस मंत्र में शक्ति आएगी और उस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसा होता है, इस मंत्र के जरिए सभी विद्याओं को बांध दिया जाता है। चलिए मंत्र को श्रवण करते हैं और फिर आपको हम इसकी विधि बताएंगे। और यह मंत्र नवरात्रों में बैठकी के दिन हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको लिखा हुआ मिलेगा, क्योंकि इससे पहले देसी मंत्रों को लिखने का आदेश नहीं होता। तो श्रवण कर लीजिए, श्रवण करते करते यदि आप याद कर पाएं तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आपसे अच्छा आदमी कोई है ही नहीं है, क्योंकि साधक जो होते हैं बहुत जल्दी मंत्रों को याद कर लेते हैं, ठीक है, हमें नहीं होते लेकिन कर सकते हैं। तो चलिए मंत्र का श्रवण करिए, लिखने की कोशिश नहीं करिएगा क्योंकि फिर ये कार्य नहीं करेगा। हाँ, बैठकी के दिन हम ये सारे मंत्र डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे आपके लिए, आप उस समय लिखिए तब भी नहीं, उसको देख के स्क्रीनशॉट लीजिएगा और बढ़िया याद करिएगा और सिद्धि करने का प्रयास करिएगा। और अष्टमी के पहले इन मंत्रों को हटा दीजिएगा, यानी डिलीट कर दीजिएगा, क्योंकि इनके लिखने के और देने के कुछ विशेष मुहूर्त होते हैं, उन्हीं में इनको लिखना चाहिए, उसी समय इनको देना चाहिए किसी व्यक्ति को। लेकिन हम श्रवण करने के लिए उपलब्ध करा रहे हैं, और श्रवण करने के अलावा आपको हम इसकी विधि बता रहे हैं ताकि नवरात्रें आ रही हैं, आप टाइम से इस मंत्र की विधि जानकर इस मंत्र का सिद्धिकरण कर लें। मंत्र हम धीरे धीरे बोलेंगे तो याद कर लीजिएगा, ठीक है। काली काली कंकाली महाकाली हिरण काली शमशान काली धाय काली एक पैर खड़ी बजावे ताली जहां बजे ताली पहुंचे काली जा बैठ पीपर की डाली 12 मदना मद पिए 70 बुकरा खाए मुर्दा छाती बैठ ब्यारी पाए आत्मा दौड़ी मरघट जाए भूत प्रेत को बांध
जिंद जिन्नाद बैताल को बांध, डायन डाकनी साकनी को बांध, चुड़ैल बरम को बांध, चौक को बांध, चौराहे को बांध, मसान कछिया मसान, सुखिया मसान, मिचमिचा मसान को बांध, मरघट की मरघंडू को बांध, नौनार सिंह डोमिया को बांध, इंद परीर जादू टोना को बांध, मरण मूठ बारह बंगाले की विद्या को बांध, फिर ले काला छुआ ऊपर मद की धार, मेरे बैरी को मार, मूठ मार मरघट पहुंचावे, दूसरे की चौकी उठावे, अपनी चौकी बैठावे, तब सत्य माई कंकाली कहावे, सिर राम की आन, गोरा पार्वती का मान, चल चल रे माई कंकाली कर कल्याण, ओम क्रीम कालकाय नमः। ठीक है, ठीक है, इतना मंत्र है। इसके आगे आप ओम क्रीम कालकाय नमः या जिसका भी मंत्र हुआ करे उसका आप बीज मंत्र जरूर जोड़ा करके, या उसकी गायत्री भी आप साथ में लगा सकते हैं, देसी मंत्र के साथ गायत्री भी लगा सकते हैं, तो क्या है मंत्र की जो शक्ति है वो थोड़ा सा प्रबल हो जाती है। ठीक है, मतलब थोड़ा उसमें शक्ति और बढ़ जाती है। तो इस तरह का ये मंत्र था, मंत्र आपने श्रवण कर लीजिएगा, लिख उसमें डिस्क्रिप्शन में आपको बैठने के दिन लिखा हुआ मिल जाएगा। सिद्ध कैसे करना चाहिए इस मंत्र को, सिद्ध करने के लिए आपको बैठकी के दिन से अष्टमी की रात तक कभी भी इस मंत्र का आप सिद्धिकरण कर सकते हो। बुंदेलखंडी मंत्रों को ज्यादा तीन तूफान जाल बवाल की जरूरत नहीं पड़ती, साधारण नवरात्रों में तो बहुत आसान होता है, देवी की विधि घर में होती ही है, व्रत हम रहते ही हैं, पूजा डेली हम करते ही हैं, उसी पूजा में हम मंत्र का सिद्धिकरण भी कर लेंगे। चलिए कैसे करना चाहिए, सीधा सीधा एक मंत्र का, इसका ज्यादा नहीं करना है आपको लाखों जाप करना है, सिर्फ इसकी आपको 11 माला रुद्राक्ष की माला से पूरब दिशा की ओर बैठकर उसके आसन पर बैठकर एक चौरमुखा चार मुंह वाला दीपक सामने जलाकर सामने माता जी की कोई भी प्रतिमा रखिएगा और बढ़िया इसकी 11 माला जप करिएगा। ठीक है, 11 माला को जप करने में भी इसमें कम से कम आपको 4 घंटे का समय पक्का लगेगा। ठीक है, तो भैया बढ़िया व्रत रहिएगा और बैठने की प्रैक्टिस पहले से करिएगा, क्योंकि बीच में आपको उठना नहीं है, पानी थोड़ा सा कम धारण करिएगा ताकि लघु संख्या दीर्घ संख्या ये सब ना जाना पड़े, मतलब आसन से आपको उठना ना पड़े, क्योंकि यदि आप आसन से उठते हैं तो समझ लीजिए इस मंत्र का जो आपने पहला जाप किया है वो सब खत्म हो जाएगा, फिर से आपको शुरुआत करनी पड़ेगी किसी अगले दिन। और ये इसकी जाप करने की विधि हो गई, और जाप करते समय माता कंकाली का या जो भी सौम्य स्वरूप आपको देवी का पसंद हो उस सौम्य स्वरूप का बढ़िया ध्यान किया करिए और फिर मंत्र की माला जपा करिए। ठीक है, तो मंत्र में फिर जल्दी सिद्धि मिल जाती है। इसके अलावा माता जी को बाना जरूर चढ़ाया करिए, जो पीछे देखिए माता जी के पास बाना रखे हैं, ऐसा एक बाना लोहा का बनवाइएगा या अपनी श्रद्धानुसार 2-4 छठो भी बनवा सकते हैं आप, और बढ़िया 9 बनवाते हैं तो अच्छी बात नहीं, एक चढ़ा दीजिए माता जी को बाना, ये मंत्र जब से पहले ही करिएगा। बाना चढ़ाइएगा, नींबू की एक बढ़िया माला चढ़ाइएगा, पीला नींबू नहीं हरा नींबू की माला चढ़ाइएगा, ढूंढ के लाइएगा हरा नींबू। ठीक है, और बढ़िया जप करिएगा, प्रसाद तो आप जानते ही हैं कि नवरात्र में क्या प्रसाद लगेगा माता जी को, फल फूल वगैरह तो आप चढ़ा दीजिएगा, वस्त्र पहले ही से चढ़े होंगे क्योंकि नवरात्र चल रही है तो हर फोटो पे आपको वस्त्र मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस माता जी को मंत्र जप करने से पहले बढ़िया प्रार्थना करिएगा, अच्छा पुष्प चढ़ाइएगा, प्रसाद से बढ़िया स्नान कराइएगा, प्रार्थना करिएगा और मंत्र का जप करिएगा। इसमें और नवरात्रों में तीन तूफान नहीं रहता, इसी मंत्र का यदि आप अलग समय में जाप करते हैं जैसे ग्रहण काल में आपको सिद्ध करना है या रविवार अमावस्या के दिन यदि पुष्य योग पड़ जाता है उस दिन आप इसका सिद्धिकरण कर सकते हैं, दीपावली से लेकर एकादशी के बीच में इसका सिद्धिकरण करना है तो इसका जाप भी डबल हो जाएगा, हवन भी डबल हो जाएगा, सामग्रियाँ भी ढेर लगेंगी, और घर में नहीं कर सकते फिर जाप, आपको बाहर एकांत में जाप करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए नवरात्रों में किया करिए, बहुत आसान रहता है। ठीक है, 11 माला जप करिए, एक माला इसका हवन कर दीजिए, यदि माला से आप हवन नहीं करना चाहते इसी मंत्र का कोई बीज मंत्र जैसे ओम क्रीम कालकाय नमः ऐसा आप करके और हवन आप कर सकते हैं। हवन हमेशा देवी का कोई भी करें, या कंकाली का हो गया, काली का हो गया, चंडी का हो गया, या जालपा का हो गया, ऐसे देवियों के मंत्रों का हवन जो है खप्पर में ही किया करिए और नीम की लकड़ी में किया करिए तो बहुत अच्छा रहता है। और खप्पर बनाने की विधि हमारे चैनल में कहीं पीछे मिल जाएगी आपको, ढूंढेंगे तो मिल जाएगी, नहीं ढूंढेंगे तो हम लिंक नहीं देने वाले आपको,
ढूंढना पड़ेगा आपको कि विधि है कहाँ। नीचे लिखा होगा काली खप्पर बनाने की विधि, तो आप ढूंढ लीजिएगा और बढ़िया खप्पर बनाइएगा। और नहीं आपको विधि से बनाना है तो अभी हम बता देते हैं, बढ़िया एक कोरा घड़ा लाइएगा, ऊपर का हिस्सा काटिएगा और उसमें बढ़िया अंदर लकड़ियाँ रखिएगा, नीम की लकड़ियाँ, और इसके अलावा उमर की लकड़ी भी आप उसमें डाल सकते हैं शुद्ध घी के साथ, और थोड़ी सी हवन सामग्री ले सकते हैं, चाहें तो शुद्ध घी के साथ ही हवन आप कर दीजिए, ठीक है। बस इतने में ही यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। अब मंत्र तो सिद्ध आपने कर लिया, अब इसको प्रयोग कैसे करना चाहिए? प्रयोग करने के लिए भैया इसका थोड़ा सा तो विधि विधान है, वो है आपको अपनाना पड़ेगा। अब वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, नहीं हम आपको बता देते पूरा, लेकिन शॉर्टकट में आप बताए दे रहे हैं। इस एक हाथ में मोर का पंखा लीजिए और इस मंत्र को, जैसे किसी के ऊपर भूत प्रेत बाधा है या ऐसा आपको लग रहा है कि इसके ऊपर कोई बुरी बाधा है, नकारात्मक शक्ति है, या किसी ने कुछ इसके ऊपर चला रखा है, तो ऐसे में आप एक मोर का पंखा लीजिए और मोर के पंख के साथ गौ की पूंछ के जो बाल होते हैं, बालों को बढ़िया गंगा जल में स्नान करिएगा और दो तीन या पाँच ऐसे मोर के पंख लीजिएगा और उसे बालों की रस्सी से मोर के पंखे यानी जड़ पे बढ़िया बांधिएगा, इसी मंत्र के द्वारा उसमें गांठ लगाइएगा, ठीक है। अब वो तीन चार मोर पंखों का आपका एक मूठा बन जाएगा, उसी मूठे से आपको झाड़ा लगाना हो यह मंत्र पढ़ना है। कितने बार पढ़ना है? एक से लेकर 11 बार पढ़ना है। यदि एक से लेकर 5 या 11 के बीच में भी यदि कोई सवारी है, अक्सर देसी मंत्रों में सवारी आ जाती है, ठीक है, जिसको बाधा होती है, तो यदि सवारी वारी आ जाती है तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। यदि वो कुछ बता रहा है तो सुन लीजिए, नहीं बता रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, मंत्र को पढ़ते जाइए, 11 से 21 बार तक पढ़िए, ठीक है। इतने में ही उस बाधा का पूरी तरह बंधन हो जाएगा। जब यह मंत्र आपका पूरी तरह 11 से 21 बार आप पढ़ चुके हो, या आपको लगे कि अब ये शरीर से पूरी तरह बाधा निकल गई है, क्योंकि आपको स्वयं जो मंत्र का प्रयोग करेगा उसे एहसास हो जाता है कि अब इस शरीर में किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं बची है, तब उसके पीछे से थोड़े से बाल काटिए, कैंची से काटिएगा, और थोड़ा सा आप नाखून काटिए, इतना तो कर ही सकते हैं, यदि इतना ना कर पाए तो फिर मतलब क्या निकलेगा। और नाखून और बाल थोड़े थोड़े काटिएगा, टकला ना कर दीजिएगा कि नुकसान आप ज़्यादा करें, और बढ़िया एक नींबू में उन दोनों चीज़ों को रखिएगा, नींबू के ऊपर एक लाल सूते के साथ बंधन लगाइएगा 7 बार, और इसी मंत्र को एक बार पढ़िएगा, बंधन 7 बार लगाइएगा, पढ़िएगा एक बार, ठीक है। और इस नींबू को कहीं जाके दूर अपने घर से या ऐसी एकांत स्थान में 3 फीट का गड्ढा खोद के बढ़िया गड़ा दीजिएगा, और इसी मंत्र को पढ़ते हुए ऊपर से एक लोटा जल डालिएगा, जब गड्ढा आप बंद कर दें तो समझ लीजिए वो बाधा उसी जगह पर कैद हो जाएगी, आपके पास से तो हट ही जाएगी, दूसरों को भी कभी परेशान नहीं करेगी। इसके अलावा यदि कोई बार बार आपके ऊपर तंत्र का प्रयोग कर रहा है, तो इस मंत्र को आपको एहसास होना चाहिए कि तंत्र का प्रयोग कर रहा है, ऐसे अंदाज से नहीं काम चलता, आपको पता होना चाहिए। जब इस मंत्र का आप सिद्धिकरण करेंगे तो आपको इन सारी चीज़ों का एहसास होना शुरू हो जाएगा कि किसी ने बाधा इस व्यक्ति के ऊपर चलाई है। अब वो कैसे एहसास होगा, हर व्यक्ति का देखिए अलग अलग होता है, तो उसका हम बता नहीं सकते, मतलब आभास नहीं दिला सकते किस तरह होता है, लेकिन आभास हो जाता है कि इसके ऊपर बाधा है। तब आप इस मंत्र को सिर्फ एक बार पढ़िए और उसके ऊपर से नींबू उतारिए। यदि आपको लगता है कि घर में बाधा है तो घर के ऊपर पहले घर में इसी मंत्र को पढ़ते हुए पूरे घर में पानी का छिड़काव करिए, दरवाजे पर खड़े हुए और नींबू को 7 बार इस तरह उतारिए, और उस नींबू को या जिसके सिर के ऊपर से भी आपने नींबू उतारा है उन नींबू को जाके नदी में कहीं विसर्जन कर दीजिए, ठीक है, चाहे तो उनको दफना भी सकते हैं। तो ऐसे में सभी प्रकार की बाधाओं का बंधन हो जाता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप हमारी बात को समझने में सक्षम हुए होंगे। यदि किसी को नहीं समझ में आई हो तो देखिए टेलीग्राम है, आप संपर्क कर सकते हैं, और प्राइवेट चैट करेंगे तो वहाँ नंबर भी उपलब्ध हो जाएगा, तो आप हमसे वहाँ पूछ सकते हैं। इस मंत्र को सिद्ध करना बहुत ही आसान है, कोई व्यक्ति यदि सिद्ध करना चाहता है तो बैठकी से पहले डिस्क्रिप्शन चेक कर लेगा, और उससे पहले भैया फोन जरूर लगा लेगा, क्योंकि कुछ विधियाँ ऐसी होती हैं जो यूट्यूब में या वीडियो के माध्यम से पूरी नहीं बता पाते हैं हम, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको फोन लगा के हमसे पूछनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहते हैं बिना गुरु के सानिध्य के देसी मंत्रों का सिद्धिकरण नहीं करना चाहिए। तो भैया इतना तो आप पूछ ही सकते हैं कि कहीं कोई त्रुटि नहीं है, जो हो सकता है हमने वीडियो में बताया जरूर है, कहीं ना कहीं हमसे भी त्रुटि हो गई हो, तो लेकिन जब आप पूछेंगे तो हम आपको पूरा विधि विधान के साथ, और कोशिश करेंगे कि हम ऑनलाइन वीडियो काल में रहें और आप मंत्र का सिद्धिकरण करें।
ठीक है। तो ऐसे में क्या है, शरीर को क्षति वगैरह कम पहुंचती है। और किसी भी मंत्र को सिद्ध करने से पहले कवच जरूर धारण करें, खासकर अघोर कवच, नारसिंह कवच, नारायण कवच, काली कवच, कोई भी इच्छित कवच, हनुमान कवच आप धारण जरूर करें ताकि शरीर की सुरक्षा रहे। इसके बाद आप मंत्र की सिद्धि करें, और मंत्र में, देशी मंत्रों में सिद्धियाँ बहुत जल्दी मिलती हैं। चलिए देखिए वीडियो बहुत